press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, मैं विशाल लक्ष्मी हेलो फ्रेंड्स मैं विशाल लक्ष्मी नगर से हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विशाल और मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ। अगर आपको मेरी कहानी जाननी है, हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम विशाल है, मैं दिल्ली से एक बॉडी बिल्डर हूँ। अगर आपको मेरी कहानी जाननी है, हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम विशाल है और मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ। कुछ टाइम पहले मैं एडिक्ट था। अगर आप लोगों को मेरी कहानी जाननी है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सर इंडिया ऑल आउट फिटनेस स्टोरीज। ये स्टोरी है विशाल चौधरी की। विशाल चौधरी आज की तारीख में एक दिल्ली के बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन अब से 2-3 साल पहले वो बॉडी बिल्डर नहीं थे। उनकी एक बहुत ही ज़्यादा टचिंग और बहुत ही स्पेशल स्टोरी है विच वी विल लेट यू नो। आप चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू अपनी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ। सो गाइज फॉर नाउ लेट्स मीट विशाल। सो वेलकम विशाल। वेलकम सर। ऑल राइट, सो विशाल की एक बहुत स्पेशल स्टोरी है। विशाल एंड आई कनेक्टेड ऑन फेसबुक और विशाल ने मुझे बताया कि वो कुछ साल पहले एक एडिक्ट थे। विशाल किस तरह के एडिक्ट थे आप? अल्कोहलिक और सारे एडिक्शन इतने भी होते हैं मैक्सिमम। तो एक बॉडी बिल्डर का अल्कोहलिक होना ये कभी हमने सुना नहीं है, राइट? तो विशाल अल्कोहलिक मीनिंग मतलब आप कभी कभी एक आध पैक पी लेते थे या क्या मतलब? अल्कोहलिक सर प्रॉपर तरीके से था मैं। जैसे क्या? जैसे कि सुबह से लेकर रात तक शराब पीते थे। यस। ओके, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। कोई भी ब्रांड पी लेता था सर, कुछ नहीं, कुछ डिसाइड नहीं था कि खाने का कुछ नहीं पता, सोने का कुछ नहीं पता, उठने का कुछ नहीं पता। रात को 3-4 बजे सो रहे हैं, सुबह 12-1 बजे उठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट शाम के 3 बजे हो रहे हैं, कुछ नहीं पता होता था किसी भी चीज़ का। बॉडी की हालत बहुत ख़राब थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं कितनी एज है सर। पीता था दिन और रात पीता था, लेकिन थोड़ा सा अफसोस होने लगा धीरे धीरे मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो जाएगा कुछ समय के बाद में, क्योंकि खाना पीना ही बंद कर दिया था मैंने एंड टाइम पे, जब मैंने शराब छोड़ी थी। एक हफ्ते तक मैंने खाना नहीं खाया था, सिर्फ और सिर्फ दारू सिगरेट सब कुछ। लेकिन जब मेरे को फील हुआ कि नहीं भाई अब ज़्यादा हो गया, तो मैंने डिसाइड करा मैंने दारू छोड़नी है। बॉडी बिल्डिंग का कुछ ऐसा डिसाइड नहीं था, मैं दारू छोड़नी है पहले तो किसी भी तरीके से। फिर मैंने घर वालों को बोला अपने, मैंने मम्मी मुझे दारू छोड़नी है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं कुछ अपने आप से कदम उठाऊं या कहीं रिहैब में या कहीं जाऊं। बहुत घबराता था, डरता था मैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतना मेरे को पता लग गया था कि मेरा एंड आ चुका है कुछ टाइम के बाद में। बहुत कम एज थी, लेकिन फिर भी मेरे को लगता था कि ज़्यादा टाइम चल नहीं पाऊंगा मैं इस तरीके से। ओके, सो विशाल अभी आपकी एज क्या है और आप कितनी उम्र से पी रहे थे? अभी सर मेरी एज है 25 और मेरे को शराब छोड़ हुए 3.5 साल के आसपास हुए। 4 मार्च को मैंने शराब छोड़ी थी। कितने साल से पी रहे हो? मैंने 8-9 में शुरू कर दी थी पीनी, 8-9 क्लास में शुरू कर दी थी। हल्की फुल्की पीते थे पहले तो, फिर एडिक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि दिन और रात का मतलब वो कहता। तो एक एक एडिक्टेड इंसान के दिमाग में क्या चलता है हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, कि जो पीने और फूकने के पीछे ही अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं उसके दिमाग में क्या चलता है कि इतनी ज़्यादा पियो, क्या है थोड़ा बताओ। सर दिमाग में बस ये चलता है कि आपको भंड होना है। ओके, किसी भी तरीके से। फिर जब दोबारा होश में आता है फिर आपको दोबारा लगता है दोबारा भंड होना है। ओके, आपको फिर कुछ लगता मतलब फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से कुछ भी। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, मम्मी टेंशन में है, कितने पैसे खर्च हो गए, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, जिम्मेदारी नाम की चीज़ क्या होती है, सिर्फ मज़े, शराब और मज़े। उस चीज़ में मज़ा इतना आता है ना कि मतलब कुछ दिखता ही नहीं उसके आगे पीछे फिर। और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है छोड़ना। कोई शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो एडिक्शन, शायद एक पैक पीने वाला इंसान भी दारू नहीं छोड़ सकता। ऐसी चीज़ है, लोग बोलते हैं छोड़ देंगे नहीं छोड़ पाते, लेकिन वो एक पैक लाइफ टाइम तक पीते हैं।
तो विशाल, ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि तुम्हें लगा कि अब हो रहा है, छोड़ना चाहिए? सर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगने लगा था यार मैं अब बचूंगा नहीं, और ज़िंदगी और मतलब एंड एंड हो गया था, ऐसा लग रहा था एंड होने वाला है कुछ समय के बाद में मेरा, क्योंकि जब दिख रहा था खाना नहीं खा रहा बंदा, सुबह से लेकर रात तक दारू पी रहा है, क्या होगा उसका फिर, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जी, क्योंकि होश आता था ना जब थोड़ी देर के लिए, तो दोबारा पीने की तैयारी होती थी, उस होश के अंदर मतलब इतने अफसोस होते थे कि दोबारा पीना पड़ता था मुझे, कुछ घंटे के लिए भी होश में नहीं रह पाता था मैं, और जितने होश में रहता था उतने चिड़चिड़ा, क्रेविंग, ये वो, लड़ाई, गुस्सा, पीने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी कि पीने के बाद नॉर्मल होता था मैं, लोग पीने के बाद नशे में होते हैं, पीने के बाद नॉर्मल होता था, पीने से पहले ऐसा लगता था कि नशे में ही, और घर वाले परेशान, रोज़ लड़ाई झगड़ा, ये वो, लाखों रुपए थाने में, मम्मी रोज़ थाने में बैठी हुई हैं, मतलब मेरी माँ को बहुत दुख दिया मैंने, बहुत ज़्यादा, उसका कोई हिसाब नहीं है, और मैं कभी उस चीज़ को अब तक नहीं कर पाया मैं, और शायद कभी कर भी नहीं पाऊँगा, इतना दुख दिया अपनी माँ को मैंने, अपने घर वालों को बहुत दुख दिया, छोटे भाई को उसके पढ़ाई के टाइम पे और उसके एग्ज़ाम्स के टाइम पे परेशान करना, उसे रात रात भर घर ना आना, लड़ाई झगड़े करना, पुलिस थाने रोज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी करी, लेकिन जब मैंने छोड़ी फिर कुछ दिन तक मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, बर्दाश्त नहीं कर पाता था मैं, इतनी दिक्कत होती थी मेरे को, मैं रिहैब गया, मम्मी को बोला मैंने दारू छुड़वाओ मेरी किसी भी तरीके से, मम्मी ने फिर मेरे को रिहैब भेज दिया, रिहैब गया मैं वहाँ, काफ़ी दिन प्रॉब्लम हुई मेरे को, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, मैं वॉशरूम में बैठ बैठ के रोता था, सोचता था यार क्या हो गया मेरे साथ, वहाँ कुछ कर नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, आप फ़ोन आपके पास नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं है, अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकते, सिंपल दाल एकदम रोटी, सिंपल रोटी से रोटी बस, और कुछ भी नहीं उसके अलावा, कोई मीठा नहीं, कुछ खाने का मन करे, दारू तो दूर दूर की बात थी, सब कुछ ठीक था, बस दारू मिल जाती ना कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम पे, ऐसा लगता था बस कुछ खाने को ना मिले कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दारू नहीं देते थे वो, ना बाहर निकलने देते थे वहाँ से, लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी का मेरा सबसे अच्छा टाइम था वो चीज़ को मेरे को फेस अगर मैं नहीं करता तो मैं कभी बदल ही नहीं पाता ज़िंदगी में, और शायद बड़ी बात नहीं है तो मर भी जाता मैं, बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं दिन और रात पीता था, एक दिन में तीन तीन चार चार ब्रांड पी जाता था मैं, सो विशाल, जब तुम पीते थे उस टाइम का कोई ऐसा मोमेंट बताओ जब तुम्हें लगा, पीते पीते लगा, या फिर तुमने कुछ ऐसा कांड किया कि उससे तुम्हें लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। सर पीते पीते सर मैं आउट हो जाता था, मुझे यही नहीं पता लगता था मैं कितनी पी चुका हूँ, किसी को ही मार देता था, मतलब एंड टाइम पता ऐसा हो गई थी हालत मेरी कि मतलब हाथ पैर कांपने शुरू हो गए थे मेरे, मैं शो नहीं करता था लेकिन किसी को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में था, मैं इतनी सारी में दिक्कत शो नहीं करता किसी को, कभी भी घर वालों को कभी नहीं बताता मैं दर्द दुख अपना जो प्रॉब्लम होती है, वो सबको ये लगता था कि मज़े में पी रहा है, लेकिन मज़े में नहीं पी रहा था मैं, दारू अपने तरफ खींचती थी मेरे को अपने आप, ऐसा लगता था कि दारू नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा मैं, जब ये कंडीशन हो गई थी ना मेरी, मतलब पकड़ पकड़ के घर आता था मैं दीवारें, ये हालत हो गई थी, तब मेरे को मेरी आँख खुली थोड़ी बहुत, लेकिन जब आँख खुलती थी फिर मैं फिर पी लेता था, फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी दारू नहीं छूट रही, अब नहीं छोड़ ओके पाऊंगा मैं। सो फिर तुम रिहैब गए, और रिहैब कितने टाइम रहे, वहां पे क्या हुआ, थोड़ा बताएं। सर मैं 3.5 महीने रिहैब रहा, वहाँ पर सारे सारा काम खुद करना होता, अपना बर्तन धोने से लेकर के खाना बनाने से लेकर के और वहाँ झाड़ू पोछा से लेकर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, बाहर वहाँ निकलने नहीं देते आपको। विशाल, फिर आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ क्यों आपका रुझान हुआ? सर मेरे को ना कोई रास्ता दिख नहीं जाता, मैंने बहुत सारी जॉब ट्राई करी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी मैंने, लेकिन जो एडिक्शन वाली जो संतुष्टि थी ना, जो उस लेवल की मतलब जो संतुष्टि थी वो किसी से मिल ही नहीं पाती थी मेरे को, क्योंकि मैं एडिक्ट था, एक एडिक्ट पर्सनैलिटी, क्योंकि नॉर्मल तरीके से नॉर्मल चीज़ नहीं कर सकती, नॉर्मल इंसान की तरह हम लोग नहीं रह सकते, तो बॉडी बिल्डिंग में मैंने देखा, मैंने इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, इतनी हार्ड डाइटिंग होती है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड शेड्यूल ही फॉलो कर सकता हूँ बस अपनी लाइफ में, मुझे इतना पता है, और बहुत ज़्यादा हार्ड शेड्यूल फॉलो करा मैंने,
कुछ टाइम के अंदर मैंने अच्छी बॉडी तैयार कर ली अपने आप खुद। उसके बाद में वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाने का मेरा पूरा प्लान बन गया था। भाई ने ही बोला छोटे कि क्या करना चाहता है तू। मैंने कहा बॉडी बिल्डिंग भाई। फिर मैं वो गुरुजी के बारे में बताया दो चार लोगों ने। शिव कुमार जी उनके पास गया मैं, उन्होंने 3 महीने में मेरे को स्टेज पर उतार दिया मिस्टर दिल्ली कॉम्पिटिशन में। वहाँ टॉप 10 में सिलेक्ट हुआ मैं। फिर दोबारा उन्होंने 1 महीने बाद दोबारा स्टेज पर उतारा मुझे। फिर दिल्ली में मेरी 3rd प्लेस आई। फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूस गुरुजी के पास लगा रहा मैं। फिर मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सुबह वही सारा शेड्यूल जो था उसका उल्टा कर दिया मैंने। सुबह फिर वही जैसे शाम को 4 बजे उठता था पहले पीने के दौरान, फिर सुबह 4 बजे उठने लग गया। किसी को अपना एडिक्शन छोड़ना है, 2-3 चीज़ें बताओगे इसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सर पहला रूल ये है एडिक्शन छोड़ने का, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि मैं एडिक्ट हूँ। ये मानना ही आसान बात नहीं है किसी के लिए भी कि मैं एडिक्ट हूँ, कोई मान ही नहीं सकता। एडिक्ट की बात मानेगा ही नहीं कभी भी। जिस दिन इंसान ने ये बात मान ली अपने अंदर से कि मैं एडिक्ट हूँ, वो एडिक्शन छोड़ देगा। मेरे को मेरे घर वालों ने फिर मेरे को रिहैब भेजा, मैंने बोला नहीं छूट रही है, अब रिहैब भेजो मेरे को। उसके बाद में फिर सर एक ही तरीका है, आपको रिहैब जाना पड़ेगा। और रिहैब जाना कोई बुरी बात नहीं है और कोई गलत जगह नहीं है। आप पागल खाने में जा रहे किसी, या आप किसी कोई आप दिमागी तौर पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक एडिक्शन होता है, उसका एक तरीका होता है वहाँ पे, इस तरीके से छुड़वाते हैं चीज़ों को। उसके बाद अगर कोई बुरी चीज़ होती है, मैं यहाँ पे इतना ऐसे आपके सामने खड़ा होकर इतने बड़े चैनल पर थोड़ा बात कर रहा होगा। सो एक बात बता, एडिक्शन में कितना मज़ा आ रहा था? सर मज़ा उस तरह की चीज़ में आता नहीं पहली बात तो। मज़ेदार होता है ना एडिक्शन सबसे, क्योंकि उसमें परवाह नहीं होती ना, टेंशन नहीं होती हमें किसी भी चीज़ की। ओके हम मज़े में सब कुछ पूरे दिन कुछ भी होता रहे, कोई मर रहा है जी रहा है, हमें पीने से मतलब है, वो अलग ही मज़ा होता है फिर एक। इसलिए लोग पीते हैं, इसलिए लोग छोड़ नहीं पाते। तो उसमें बुराई क्या है फिर, तो पीते रहो। बुराई क्या है, किडनी ख़त्म, लीवर ख़त्म, दिमाग ख़त्म सब थोड़े टाइम के बाद बंदे का, बंदा ही ख़त्म हो जाएगा 5-10 साल के अंदर में। और सब कुछ जब वो, अब मैं 3 साल बाद में जब मैंने पीछे मुड़ के देखा उस टाइम को तो रोना आता था, मेरी आँख के अंदर रोता था रातों को, टॉयलेट में बैठ बैठ के रोता था। अपनी चीज़ सोच के क्या 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 खो दिया हमने लाइफ में, क्या खो दिया, सब कुछ ही खो दिया, टाइम खो दिया हमने बड़ी बात। भूख लगनी बंद हो गई, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, किसी को कुछ समझना ही नहीं घर में। मतलब किसी को समझता है ना, मम्मी को कुछ समझता ही नहीं था। मम्मी बेचारी रोती रहती थी, माला जपती रहती थी कब आएगा घर वापस। सारी रात मम्मी की आँख काली होती थी, डिप्रेशन में चली गई थी मेरी मम्मी मेरी वजह से, बहुत बुरी तरीके से तबीयत खराब हो गई थी घर वालों की सबकी, भाई के नंबर कम आए मेरी वजह से, सब लोग टेंशन में रहते थे मेरी वजह से। लोग पता है फ़ोन करके क्या पूछते थे, पहले ये पूछते थे मोंटी ठीक है, ये विशाल ठीक है, क्यों पूछते थे, क्योंकि मैं बीमार था, मुझे ऐसा लगता है दिमाग से। क्यों लोग क्यों पूछते थे, हर बंदा एक चीज़ क्यों पूछ रहा है कि ये ठीक है। तो गुस्सा नहीं आता था कि सब क्यों पूछ रहे मेरे से कि तू ठीक है क्या, तू ठीक है क्या? मुझे पता था मैं ठीक नहीं हूँ। इस लेवल की फिटनेस तो यार सोच भी नहीं सकते थे कि नॉर्मल जिम भी कर पाऊँगा कभी मैं ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत कोई डोला वाला बन जाए हल्का फुल्का, सपने ही थे। तो मतलब एक मैंने अपनी बॉडी कभी सपने में भी, ड्रीम में भी सोची होगी कि मेरी बॉडी ऐसी होगी कभी जैसे लेवल की बॉडी आज है। तो ये कह सकते हैं कि वन ऑफ योर ड्रीम्स केम ट्रू, तुम्हारा एक सपना सच हुआ। हाँ उससे ऊपर, उससे ऊपर। हाँ जो मैंने दिल्ली तक सोचा था इंडिया तक मैं पहुँच पाऊँगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी बॉडी बिल्डिंग शुरू करने के बाद। कुछ लोगों ने बोला फिटनेस मॉडल में दिल्ली में कुछ हो सकता है तेरा, कुछ लोगों ने बोला था, लेकिन मैंने कहा था कि बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो क्यों करनी है बॉडी बिल्डिंग? क्योंकि किसी ने मेरे को कहा था कि बॉडी बिल्डिंग का मतलब है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाने थे मेरे को असल में, क्योंकि और किसी में संतुष्टि मिलती नहीं है। इतनी मेहनत बॉडी बिल्डिंग में, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, इतनी मेहनत है, आपकी जेब 24 घंटे खाली रहेगी। बॉडी बिल्डिंग का पहला रूल तो ये है, आपकी जेब में कुछ नहीं बचता कभी भी, सारे पैसे बॉडी पे लगा देते हैं हम, चाहे हम दिखने में बहुत अमीर लगते हैं बॉडी की वजह से, लेकिन इतना अमीर होते नहीं हम। और आज मैं बॉडी बिल्डिंग ना करता होता खूब पैसे वाला होता, मैं सारी चीज़ें कर रहा होता, इन्जॉय कर रहा होता, लेकिन लाइफ फिर वो लाइफ नहीं थी कोई। आज की डेट में हर बंदा तारीफ करता है, हर बंदा देखता है, हर बंदा बात करने की कोशिश करता है पब्लिक प्लेस पर हर जगह,
हर जगह इज्जत होती है बहुत ज़्यादा बिना बात में और समझ नहीं आता इज्जत करके रहे लोग, समझ ही नहीं आता क्यों इतनी इज्जत कर रहे हैं। वो टाइम जाना था यार, मैं तो यार ऐसा था यार, मेरी इज्जत क्यों कर रहे हैं ये लोग, चला फोटो में एक लाइक नहीं आता था, 1000 से ऊपर लाइक आते हैं फोटो डालते के साथ ही। मैं वो इंसान, लड़कियाँ बात नहीं करती थी, लड़कियाँ मरती हैं मैसेज कर करके दिन और रात, रिप्लाई कर करके परेशान हूँ, मेरी बीवी परेशान है। तो रिप्लाई करता है सारी लड़कियों को? हाय हेलो सर, सबको करता हूँ मैं रिप्लाई, मेरी एक अच्छी आदत है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, कितने भी लड़का हूँ लड़कियाँ हों, जो मैं सोशल मीडिया पर कोई मैसेज करता है सबको रिप्लाई करता हूँ और सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने गुरुजी से सीखा है। जब चीज़ें मिलनी आसान हो गई तब आप उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते है ना, और जब मुश्किल थी तो आराम से कंज्यूम करो, खाओ पियो, लड़कियाँ ये वो सब कुछ। बाय द वे लड़की लड़की कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो मैरिड है ना लव मैरिज करिए, लव मैरिज करिए। ठीक है, तुम्हारी वाइफ का क्या योगदान है तुम्हारी अल्कोहल छुड़वाने में? वाइफ का योगदान सबसे बड़ा ये है कि उसने कहा था कि अब तो दारू नहीं छोड़ूंगा, मैं शादी नहीं करूँगी। शादी वो फिर भी कर लेती लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती फिर उसके बाद, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। मेरी तो अगर ख़राब थी वो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता था ना पीने के टाइम पे किसी भी चीज़ का, पता ही नहीं चलेगा तो कोई हो जाए कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी हो जाती लेकिन पूरी की पूरी लाइफ ख़राब। तो दिमाग में वो बात भी चलती रहती थी कि मेरे पीछे एक लड़की है 7-8 साल से, अपने लिए तो उसके लिए, लेकिन अपने लिए ही छोड़ सकता है इंसान, किसी लिए नहीं छोड़ सकता। तो आई होप आपको कुछ इससे इंस्पिरेशन मिले, और अगर आप विशाल चौधरी से यू वांट टू गेट इन टच तो विशाल आप अपने कुछ कॉन्टैक्ट शेयर कीजिए, लोग आपको इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे कहाँ पे कैसे ढूंढ सकते हैं, और वो अगर आपसे कुछ बात करना चाहें अपने एडिक्शन के बारे में या अपनी डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में तो वो आपसे कैसे जुड़े? सर फेसबुक सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे किस नाम से सर्च करें? विशाल चौधरी के नाम से आईडी है मेरी फेसबुक पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी है? इंस्टाग्राम पे विशाल ऑफिशियल, विशाल ऑफिशियल चौधरी नहीं नहीं भैया विशाल ऑफिशियल अकाउंट इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं, मैं नाम चेंज करा रहा हूँ दोबारा। यार बहुत ही इनोसेंट है बंदर तो यार नाम चेंज करा रहा हूँ इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है।